हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 जर्नलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन करेंगे इन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो फर्स्ट वीडियो में इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, सेकंड वीडियो में हम कोजी कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे। तो इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, इन दिस चैप्टर वी विल प्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट आर सिमिलर टू कन्वेक्स एंड कनकेव फंक्शन। हमारे पास क्या है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था वहां पे भी हमारे पास क्या आ रहा था, कन्वेक्स और कनकेव फंक्शन आ रहा था। इसमें भी सेम है हमारा कन्वेक्स और कनकेव फंक्शन, बट दे सम अदर डिसायरेबल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या हो गया, और प्रॉपर्टीज एड होगी जो हमारी क्या बन गई, कॉजी कन्वेक्स या प्रिसीडो कन्वेक्सिटी या प्रसीडो कन्वेक्सिटी एट ए पॉइंट। दीज आर लेस रिस्ट्रिक्टिव एजम्पशंस विच आर रेदर मोर एप्लीकेशन इन मैनी कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे प्रीवियस चैप्टर में क्या था, कन्वेक्स फंक्शन में, उसमें हमारा फंक्शन क्या होता था, कन्वेक्स या कनकेव या स्ट्रिक्टली कन्वेक्स या स्ट्रिक्टली कनकेव। अब हम जर्नलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन में क्या पढ़ेंगे, कॉजी कन्वेक्स फंक्शन, कॉजी कनकेव फंक्शन, ऐसी नाइदर कॉजी कन्वेक्स नॉर कॉजी कनकेव, कॉजी मोनोटोनिक, कॉजी कनकेव। तो ये हमारी जो डेफिनेशंस हैं वो ऐड होगी, जो हमारी अदर प्रॉपर्टीज हैं। बाकी सभी मेथड, सारा मेथड कौन सा है, हमारा कन्वेक्स फंक्शन का है। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है कंपैरिजन टू कन्वेक्स फंक्शन के। इस चैप्टर में भी आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कॉजी कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन। थैंक यू।